उचित तो। एंड साउथ की भी कोई फिल्म सही फिल्म की इन्होंने एंड वेल नोन आर्टिस्ट और मेरी फेवरेट ऑल्सो और ध्वनि पवार जो कि मिका दी बहुत ही फेम थी और हमारे जो कॉमेडियन है ग्रेट कॉमेडियन VIP जी उनकी बेटी है तो आई एम रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम कि फिडोराज रिंकल्स में ये आई हैं वैसे और भी दो लोग हैं जीनल एंड जेनिफर नायर हैं सो उनका भी हम जल्दी इंट्रोडक्शन देंगे लेकिन आई एम रियली ब्लेस कि मेरे साथ इतने अच्छे लोगों ने काम किया है और जैसे मैं अपने हीरोज़ को लेकर आती हूँ उनका बहुत ध्यान रखती हूँ और चाहती हूँ लोगों तक उनकी चीज़ें पहुँचे तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो फिडोराज रिंकल्स फिल्म है ये आप लोग तक पहुँचे एंड ये इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है मैं सेट पे देख भी रही थी सारे छोटे छोटे शॉट्स जो भी था एंड सबसे अच्छी चीज़ इन सब में एंथुजियाज्म बहुत है दे आर वेरी हैप्पी अभी मैं भी बोलती रहूँगी तुम बोलोगे क्वेश्चन पूछो एवरी प्रोजेक्ट की बिगनिंग तो हमेशा शुरुआत हमेशा अच्छी लगती है एंड इसकी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि सुष्मिता मैम के साथ जो है मैं जुड़ी हूँ 16 साल के बाद आई थिंक मेरा फर्स्ट जो डेली सोप टाइप्स जो था उनके साथ था घोस बना दोस्त तो आज जब उनके साथ फिर से मुहूर्त किया 16 साल बाद बहुत अच्छा लगा एंड आज हम एक फिल्म पे जुड़े हैं तो आई लव द टीम जैसे कि एरम ने बोला कि एक एक टीम में जो एक जज्बा है वो देखकर ही अपने आप मन करता है काम करने का हमने आई थिंक स्टार्ट करके 4 घंटे हो गए पर पता नहीं चला जैसे बताया गया कि लंच ब्रेक है आई वाज लाइक ओ अच्छा 4 घंटे हो गए सो दैट मीन्स यू आर रियली इन द ग्रुप आई एम वेरी एक्साइटेड आलिया का कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव प्लेड बिफोर शी इज़ वेरी नाइव वेरी इनोसेंट स्टैंड्स अप फॉर हर पीपल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग जब देखेंगे आप हाय माय सेल्फ ध्वनि पवार एंड इट्स माय प्लेजर कि मैं इरम जी के साथ में कनेक्ट हो पाई हूँ एंड हम यूजली हमेशा अवार्ड फंक्शंस में मिलते हैं पार्टीज बट दिस टाइम वी आर एक्चुअली वर्किंग एंड आई मस्ट से दैट योर टीम इज अमेजिंग शी इज सो हार्ड वर्किंग एंड यू नो आई एम हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर हियर मेरा जो कैरेक्टर है लुबना ये आलिया के एकदम ऑपोजिट है शी इज लाइक यू नो ऑलवेज मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए एंड फेडोराज रिंकल ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही अब्जर्ड है और एट द सेम टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग है सो द मोमेंट आई रेड द स्क्रिप्ट आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई वॉज सो हैप्पी कि आपने मुझे इसके लिए अप्रोच किया थैंक यू सो मच एंड आई एम हैप्पी कि मुंबई रफ्तार एंड खबर 24 ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ अस और हमें हमेशा हमारी जो चीज़ें अब नई नई चीज़ें लोगों तक पहुँचाते हैं तो प्लीज़ ब्लेस अस और फेडोरा रिंकल्स के लिए फिंगर क्रॉस लॉन्ग बैक आई थिंक बैक इन फेब्रुअरी 2022 में फैज़ जी ने मुझे आकर इस रोल के बारे में कहा था कि एक कैरेक्टर है
लुबना नाम है, आप शायद से उसमें फिट होगे, तो एक बार ऑफिस में मिलना. सो दैट्स हाउ इट टर्नड आउट. एंड हु कास्ट हर? अंजल. मेरी कास्टिंग बड़ी अजीब हुई है. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट इतना पता है कि हमारा मिलना लिखा था, और द मोमेंट आई वॉक्ड इनटू द ऑफिस आर आईज मेट, एंड मुझे पता था कि मैं इनके एक्टर बनने वाली हूँ. और मुझे मतलब मुझे पता था मैं इनके एक्टर बनूंगी, इनको पता था कि दैट्स इट, आई एम ऑन बोर्ड. सो आई थिंक आले को कास्ट इनम ने और फैज ने अली. मुझे ये क्रेडिट ज्यादा तुम्हें जाता है. मुझे ऊपर वाला लेकर आया आपके ऑफिस में. वेरी हैप्पी विद देयर वर्क. देखा था मैंने कहा आप फिट होती हो लुबना कैरेक्टर के लिए, प्लीज कम एंड लेट्स रॉक इट. चार जो हीरोइन है हमारे फिल्म में, फिडोरा के अलावा एंड बबलू के अलावा, वो हैं आलिया से अभी आप मिल चुके हैं एंड लुबना से मिल चुके हैं. अब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ नेहा, जेनिफर नायर एंड जीनल एज ए करिश्मा. एंड बड़ा मज़ा आ रहा है इन दोनों को देखकर आल्सो, क्योंकि सब ने अपना जो कैरेक्टर जिया है दिल से जिया है. शी इज़ रियली क्यूट एंड शी इज़ रियली हॉट. आई एम नॉट गेटिंग बायस फॉर एनीवन, बट दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं. और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है कैमरे का. एंड फिर रिंकल्स में मैं पूछना चाहती हूँ तुम लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. एंड वी कैन सी द ग्रुप टीम वाला जो हार्डवर्किंग है, एंड इट्स रियली नाइस कोऑपरेटिव. एवरीवन इज सो कोऑपरेटिव. योर हार्डवर्क इज सीन, डायरेक्टर्स, एवरी टीम, गुड प्लस फन. इट्स लाइक इट वाज लाइक रियली फन शूट. पता नहीं चला हम लोग ने शूट इतना किया, हम लिटरली टाइम का पता नहीं चला. And the shooting is really fun. Really fun. मैं चाहती हूँ तुम लोग अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ. So I have done Choti Sardane, which is telecast on Colors TV, and after that, right now I'm doing Naumbra Ki Seema Ho, which is streaming on Star Bharat. और मैंने Gandhi Talks किया है. It's a South Indian silent movie, and of course Fedora's Wrinkle, और एक web series भी कर रही हूँ. And now we are really excited for this Fedora. बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट फिर थोड़ा सर ने, मैम ने कंसोल किया मुझे, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाया. फिर आप स्क्रीन पे देखना कैसा लग रहा है बताइएगा. थैंक यू. एंड फॉर मी, मेरे को पता था कि थोड़ा सा चिल शूट होने वाला है, बिकॉज अश्विन जी थे तो डेफिनेटली आई हैव अ गुड वाइब विथ हिम. एंड मैं दो तीन बार इडम मैम से मिल गई, पूरी टीम से मिल गई. इट वॉज रियली नाइस मीटिंग देम एंड एवरीवन वाज सो नाइस. तो रीडिंग के अंदर भी हमें मजा आया. तो आई नो इट्स नाइस, इट्स गोना बी नाइस. ये सारे में हमने देखा जो चेहरे से लेके बॉडी से जो सजाया जाता है, ये तो कोई नहीं छोड़ के ड्रेस है. मैं भी तो गर्ल को पकड़ूंगी अभी, आऊंगी, क्योंकि अभी मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ ना. फिर से दिस ऑल ये इधर इधर द होल कॉन्सेप्ट इज डन बाय हर फॉर कॉस्ट्यूम. शी इज़ वेल नोन फॉर एज अ मोदा वांते बाय रितु गोयल. और आपने देखा होगा जितनी बार भी मैंने इवेंट में, जितनी बार भी फंक्शंस में जो भी कपड़े पहने हैं, दिस इज़ डन बाय हर ऑल्सो, बिकॉज शी नोज मी, शी नोज माई टेस्ट एंड टच वुड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग वी हैव. सो थैंक यू, लव यू रितु. अच्छा, आप दोनों का जब ऑडिशन हुआ था, किस तरह से ऑडिशन हुआ, क्या करना पड़ा? तो जो ऑडिशन हुआ था वो जिनेद सर ने और इरम मैम ने लिया था, अश्विन सर ने बाद में लिया. सो थोड़ा नर्वस थी, थोड़ा डर भी लग रहा था, बट अच्छे से हो गया. आज मैं यहाँ बैठी हूँ, इसी वजह से बैठी हूँ कि अच्छे से हुआ. सो यस, बहुत मतलब प्रोजेक्ट में इतना मज़ा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ.
फॉर मी मुझे अश्विन सर ने बोला कि आप एक बार मैम के ऑफिस में, एक्चुअली आई वॉज शूटिंग विद अश्विन सर एंड उन्होंने मुझे बोला था कि जीनल आई एम डूइंग अ स्टोरी आई विल लेट यू नो एंड आफ्टर आई गेस 20 डेज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अश्विन सर कि जीनल तुम एक बार सर के ऑफिस मैम के ऑफिस जाके मिलकर आओ. आई थॉट ओके फाइन, मैं विदाउट मेकअप गई एंड आई वाज लाइक ओके हाय सर हाउ आर यू एंड मैं जुनेद सर से मिली, इट वॉज रियली नाइस एंड ही सेड ओके जीनल सी दिस इज अ स्क्रिप्ट एंड वी वॉन्ट टू टेस्ट यू फॉर खुशी. I'm like okay fine, I saw the script, it was really nice and bahut achhe se unhone mere auditions liye, it was fun and I'm like see Jeeral ye wala character hai, you are like fun in the group and we dumb also at times. Not dumb but she's so funny. Ha Junaid sir ne mujhe ek cheez boli thi, us cheez se mujhe bahut zyada confidence aaya tha that I'm a born actress. Yes she is. To mujhe us cheez se itna confidence mila hai na, I can't. मैंने बोला ना कि सही कास्टिंग हमें मिली है और इस एक फिल्म की सफलता का बहुत बड़ा राज सिर्फ एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छी एक्टिंग नहीं, ये भी होती कि एक अच्छी कास्टिंग भी होनी चाहिए. तो वी हैव गॉट अ वेरी नाइस कैरेक्टर्स जो अपनी कैरेक्टर में हैं और बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहे हैं एंड टोटली इट्स अ टीम वर्क वेदर इट्स बिहाइंड द कैमरा पीपल, स्क्रिप्ट राइटर्स, production, producers, directors, costume, everything. Makeup, everything. It's actors like everything too. Is falling like right proper. In place. Last minute, shooting नेक्स्ट शूटिंग कल भी हमारी हुई है और नेक्स्ट शूटिंग जो हमारी दूसरी लोकेशन है दिस विल बी 14, 16 and 18 एंड बहुत जल्द हम फिल्म भी ख़त्म करेंगे आप सबके आशीर्वाद और प्यार से. हाँ, इस वक्त हम लोग इरम एंटरटेनमेंट के सेट पे है फिजोराज रिंकल्स और मेरे साथ में है हमारी करिश्मा उर्फ जिनल और हमारी नेहा जेनिफर. ठीक है, ये दोनों हमारे फिल्म के लॉरेन हार्डी है. यस एक्चुअली यस ट्रू यस. और इस फिल्म में आपको इनको एक मज़ा, एक केमिस्ट्री देखने मिलने वाला है. वैसे ये बहुत नामचीन एक्ट्रेस है और इसे जेनिफर को हम इस फिल्म से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे नेक्स्ट फिल्म में भी जेनिफर है और जिनाल भी नेक्स्ट फिल्म में है. थैंक यू सो मच. ओके, जब मैंने इनका ऑडिशन लिए थे है ना तो मुझे लगा नहीं नहीं परफेक्ट है. अच्छा वो तो ना कैसे कर रहे थे तुम ऑडिशन के नाम पर? ऑडिशन पे मैं एक्चुअली अच्छा ये वाला लुक देना मैं. हाँ ठीक है. अच्छा सैड वाला लुक मैंने कहा ओके. एक बार बहुत खुश हो गए आप. आई वाज लाइक ओह माय गॉड तुम लग डन मिल गए मुझे करिश्मा. सो हैप्पी दैट टाइम. और जेनिफर पर लाइक दी क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा ना. कैसे हो रहा तुम? क्या हो रहा है ये क्या क्या व्हाट बट जेनिफर इज प्लेइंग द इंटेलिजेंट रोल और आई विश इट्स अ वेरी गुड फैमिली ओरिएंटेड वेरी फैमिली पैक फिल्म एंड आई विश बोथ ऑफ देम ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म एंड फॉर देयर फ्यूचर प्रोडक्ट्स. थैंक यू सो मच फिल्म. थैंक यू. ओके, फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स इरम, फैज, एवरीबडी. ओके एंड थैंक यू इरम फॉर ट्रस्टिंग मी इन एवरी विच वे शी कैन. एंड इनका एक डायलॉग है रितु यू कैन डू इट और तू ही कर सकती है, दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट. मेरे को नींद में भी सुनाई देता है तू कर सकती है तू कर. सो थैंक यू सो मच इरम फॉर ऑफरिंग मी दिस मूवी एंड मैं इतनी शूटिंग्स करती हूँ पर इस सेट पे जो वाइब्रेशन है, जो पॉजिटिव और है, इट इज़ ग्रेट. इधर जो टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, रिस्पेक्ट, प्यार, लव, सब कुछ है इधर, ऑल इन वन. ऑफ कैमरा एक कैमरा लगा दो तो ये सब भी एक मूवी का पार्ट बन सकता है. एंड सी इज ऑलवेज बीन वेरी नाइस. इस एक बहुत ही पॉजिटिव और आता है इरम से स्पेशली एंड एवरीबडी इज सो गुड. फेडोरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक. ये मूवी अवार्ड विनिंग मूवी है और ये कैरेक्टर इतना अच्छा डेवलप्ड है कि एक्चुअली आप भी जब देखेंगे तो आपके भी नींद में फेडोरा ही आएगी और कोई नहीं आएगी. बिल्कुल रितु ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, सारी बातें बिल्कुल सही बोली. और अभी मैंने बोला भी था कि एक फिल्म की जो सफलता होती है उसमें अच्छी एक्टिंग, डायरेक्शन, कास्टिंग भी होती है. एक चीज़ और ऐड करूँगी, अच्छे कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं मेरा भी कॉस्ट्यूम इवन बट शी इज़ सो कंसर्न फॉर एवरी लुक और मेरे हर लुक के लिए वो हमेशा यही डिज़ाइन करती है ज़्यादातर. और मैं आज ही जो मैंने पहना है दिस इज विच ड्रेस काफ्तान. दिस इज डिज़ाइनर काफ्तान कम फ्लेरी ड्रेस.
हाँ तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके पास कितने ज़्यादा वेराइटीज़ होते हैं. मोदा वांते बाय रितु गोयल जिनमें इनका शोरूम भी है गोरेगांव में, और मैं तो कहती हूँ सिर्फ लोखंडवाला में नहीं, इनके शॉप में भी बहुत अच्छे अच्छे वेराइटी. मैं तो जब भी जाती हूँ मैं स्टार्ट कर देती ये ड्रेस दिस वन आई जस्ट लव हर टेस्ट एंड बहुत अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया है. और यस यू वर सेइंग समथिंग. ओके मैं इरम का थोड़ा स्टाइल बताती हूँ शॉपिंग करने का. वो जब एंटर करते हैं एंटर के साथ तो ये ड्रेस मेरे लिए ये ड्रेस एंड तक में सारी ड्रेसेस सेलेक्ट हो जाती है. अच्छा भिजवा देना. हाँ, और अभी मेरी दिवाली तक की भी ड्रेस अभी तो ऑलरेडी इट इज़ ऑल सेट ऑलरेडी बुक्ड है दिवाली की ड्रेस. यस तो इरम्स एंटरटेनमेंट की एक ही खास बात है कि हम अभी जैसे रितु ने बताया कि हमने कभी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में नहीं बनाने का सोचा. पहली चीज़ हमने जो मद्देनज़र रखी कि सोशल इश्यूज़ और जो हम बना रहे हैं वो जस्टिफाइड है कि नहीं. तो वो हम एक फिल्म इंडस्ट्री एक फिल्म प्रोडक्शन की जो जितने भी फील्ड होती हैं हर एक चीज़ को मैंने बहुत बारीकी से जांचा है परखा है. हर एक से मैंने पूछा है डिड यू ईट खाना, चाहे वो क्रू मेंबर हो चाहे हमारे बॉडीगार्ड्स हो, बिकॉज इज्जत सबको मिलनी चाहिए और सब बराबर होते हैं. तो आई लव एवरी वन एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी एवरी वन. अच्छा लग रहा है, बस दुआएँ दिए, दुआएँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. ओके एक चीज़ और ऐड. ओके सो इरम की एक और मैं पॉजिटिव चीज़ें बोल रही हूँ जो इनको दूसरे प्रोड्यूसर से अलग बनाती है. ये कपड़े में भी ऐसे घुसते जैसे खुद का कैरेक्टर है, एक्टर्स में भी डायरेक्शन में भी हर चीज़ में बहुत बाय हार्ट सब हार्ट एंड सोल दे के जस्टिफाई करते हर एक चीज़ को, वेदर इट इज़ कैरेक्टर और लोकेशन और एनी थिंग ऑन द सर्थ. मोदा वांते ने बहुत अच्छे से चीज़ें की, चाहे वो स्लिंग बैग हो चाहे वो मतलब उनका डिपार्टमेंट आया ही हुआ है. और इसके अलावा जो मैं हमारी फिडोरा मैम है जो सुष्मिता मुखर्जी, उनको मैंने रोक के बोला मैम यू आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. वो जो कैरेक्टर में रितु ने उनको ढाला है, जो कपड़े उन्होंने पहनाए, इट इज़ रियली जस्टिफाइड. ऑल बिकॉज ऑफ हर शी गेव मी सो मच लिबर्टी रितु, जो करना है कर, बस मैं कैरेक्टर समझाती हूँ. थैंक यू. मैं इस फिल्म में एज आई डी का वर्क कर रहा हूँ. इसमें मैं अश्विन सर को असिस्ट कर रहा हूँ और हमारी प्रोडक्शन जो है इरम इंटरटेनमेंट उनके साइड से भी हूँ. जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो है फैज़ भाई हमारे, और काफ़ी चीज़ों में मुझे मज़ा भी आ रहा है काम करने में, वो चीज़ें स्मूथ जा रही है. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है काम करके, और मैं बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं जो एक्सपीरियंस बताते हैं उनके साथ जो जो हुआ है. मुझे वो कुछ भी फेस करने को नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, सब वेल सेटल्ड है, तो मुझे किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आ रहा. सारी चीज़ें सेट पे मुझे अवेलेबल है, तो वाव वाली चीज़.